इन दिनों नाव मामले के चलते बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है, जिसको लेकर हर रोज बीजेपी पार्टी पर हमले हो रहे हैं। मामले बढ़ते देख पीएम मोदी ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी, तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि बीजेपी को दोहरे मापदंड से कोई लाभ नहीं होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बाबा साहेब के नाम योजनाएं शुरू करने और उनसे जुड़े स्मारकों के उद्घाटन से दलितों का विकास नहीं होने वाला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दलितों को अहमियत नहीं देती है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है। इतना ही नहीं, मायावती ने अपने बयान में आगे कहा कि एससी एसटी एक्ट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब इसका असर कम हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि आज देश भर में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान एससी एसटी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहती हूं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के बजाय एससी एसटी एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाकर अध्यादेश जारी करना चाहिए। वहीं उन्नाव मामले पर बोलते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी की सरकार महिलाओं की हिफाजत नहीं कर रही है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।